क्या बात है, महारानी आप बड़ी चिंतित लग रही है, शहर मुझे तो इतनी चिंता खाई जा रही है। क्यों ना बात सिंह जी से ये लगता आज पूछ लिया जाए। हाँ तुम सही कहती हो, बात सिंह जी को बुलाया जाए। बैठिए बात सिंह जी। हाँ बात सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? रात को बड़ी वीरता से लड़े हैं महाराणी साहिब बात पर हमारे, रात को बड़ी वीरता से लड़े माता पर हमारे, हमारी संख्या बहुत कम है इसलिए शत्रु का परवाना हम पर आग गिर रहा है। हम मरेंगे, हम हंसते हंसते मरेंगे, पर तो किस बात का है, हमें बाढ़ की मार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस समय मेरा स्वामी यहाँ नहीं है, वरना उनके रहते किसी का इतना साहस न था कि तुम्हें बाढ़ की सीमा के अंदर कदम भी रखे, किसी में इतनी हिम्मत न थी कि तुम व्यवहार की ओर उठाकर भी देखे। हमने अपने ही हाथों अपने मेहनत से किया, अपने सब कुछ सहा कर दिया है, अब पश्चाताप करने से क्या फायदा है देवी, अब तो हमें कोई माफ नहीं चाहिए। मुझे एक उपाय सोचा है, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। क्या तुम हुमायूं को राखी भेजोगी? मुसलमान को अपना भाई बनाओगी? चुनौती क्यों हो जाए, मुसलमान भी इंसान है, उनकी भी बहने होती है, वे भगवान को पूरा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिदों में जाते हैं, क्या इसी कारण हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? और भी तो मैं महारानी, क्या वे पुराने मैं बुला पाएंगे? इसी तरीके से हम इससे जल्दी मिट पाएंगे। मेरी राखी बहुत गवाह है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देगी, यह वह वरदान है जो सारे बैरों को भुला देगी। कोई राखी पहनने के बाद बैर भाव क्या कर सकता है भला? पर वे हमारे शत्रु हैं, ऐसा ना कहो जाहर, हमारी तरह भारत उनकी भी क्षय भूमि है, भारत में ही उन्हें हमारी तरह रहना है जीना है, वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। बात दीजिए, आप भी कोई समझते दीजिए, हमें तो आगे का पालन करना आता है, समझते रहना नहीं। राखी का पवित्र सूत्र और पैगाम लाया जाए। और सोच लीजिए महारानी, वे आपकी भावना को समझ पाएंगे? आदेश का पालन हो। हम भी तो देखें कि इस राखी के धागे में कितनी ताकत है, क्या यह राखी का धागा दो धर्मों को जोड़ पाएगा, क्या एक मुसलमान व्यक्ति एक राजपुत्री की भावना को समझ पाएगा? दूध को बुलाया जाए। ये राखी का पवित्र सूत्र और पैगाम बादशाह हुमायूं के पास लेकर जाओ और उन्हें कहो कि रानी पद्मावती ने उनके लिए सौगात भेजी है। इससे यह पता लग जाएगा कि एक राजपूत रानी की राखी में कितनी ताकत है। शहंशाह के शहंशाह बादशाह हुमायूं पधार रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती किंतु मैं, तुम जानते हो मैं व्यवहार की कितनी इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर व्यक्ति को व्यवहार की इज्जत करनी चाहिए, वहाँ की राख भी सिर पर लगाने की चीज है। दुश्मनों की तारीफ करना तो कोई आप शशि के जहाँ बना। आंखों पर से धार्मिक नेता का दुश्मन दादा देखो दादा, चश्मा तो आपने लगा रखा है जा अपना। क्या ख्वाब लेने लगे जा अपना, क्या रानी ने जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच रानी ने जादू का पिटारा ही भेजा है, उन्होंने मुझे राखी भेजी है, अपना भाई बनाया है, मेरी यह खुशकिस्मती है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागे ने कई कुर्बानियां ली है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिमों के लिए भी हिंदुओं के रीति रिवाज उतने ही प्यारे हैं। मुझे तो इसमें दुश्मनों की साजिश लगती है, हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। जो भी हो, यह राखी का धागा नहीं, यह अल्लाह का कुर्बान है। एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया, सेनापति युद्ध के लिए फौज को तैयार किया जाए। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुख दौलतों ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है।
चाहते धर्म से ऊपर उठकर ये लघु नाटिका के